नमस्कार, मैं हूँ शेफाली शर्मा और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मैक्स। हेल्थ मैक्स डॉक्टर राघव ग्रुप का एक मल्टी थेरेपी क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मैक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मैक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहा है अपनी रिसर्च के द्वारा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे लीवर डिजीज के बारे में, आखिर ये होता क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ मैक्स के डॉक्टर हिमांशु सिंह जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो हेल्थ मैक्स। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी लीवर डिजीज के बारे में, आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, लीवर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर हम पहले बात करें लीवर एज अ ऑर्गन क्या है, बहुत वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी की लीवर। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि डिटॉक्सिफिकेशन करती है हमारी बॉडी की, कि हमारी बॉडी से गंदगी को निकालने का काम करती है। इसका मतलब है ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, फैट हो गया, इन सबको डाइजेस्ट करवाने में इसका बहुत अहम रोल है। इसके अलावा बॉडी के अंदर दूसरी ऑर्गन्स को किस तरह से मॉनिटरिंग करना, वो भी इसका काम है, क्योंकि ये कई चीज़ें ऐसी बनाती है जो दूसरी ऑर्गन इसके थ्रू चलती हैं। जैसे अगर हम बात करें बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स की भी, वो भी ये हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करती है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि एक बहुत अहम रोल है, प्रोटीन को डाइजेस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, किस तरह से वो बनना चाहिए उस बनने में हेल्प करता है। अगर अमीनो एसिड से हम लें, सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, वो धीरे धीरे किस तरह से बनना है तो प्रोटीन बनने में हेल्प करती है। तो इसी तरह से जाहिर है बॉडी के मसल बिल्डिंग में भी एक तरह से हेल्प कर रही है। तो इस तरह से बहुत सारे वाइटल काम करती है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो डेफिनेट है कि हमारी बॉडी में लेसेबल प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो वो अगर हम बात करें अलग अलग बीमारियों की, तो इसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती है। जो मेन आजकल बीमारियाँ आमतौर पर देखी जाती हैं उनमें फैटी लिवर डिजीज़ है, जिसमें कि लिवर के अंदर फैट का डिपोजिशन होना, फैट सेल्स जो लिवर सेल्स होते हैं उनके ऊपर फैटी ट्राइग्लिसराइड सेल्स उसके अंदर भरने शुरू हो जाते हैं, फैट भरना शुरू हो जाता है, और वो इस तरह की फैट चर्बी बना देते हैं लिवर के ऊपर, एक कोट इस तरह का सेल्स पे, लिवर सेल्स पे बना देते हैं, जिसमें कि लिवर जो है स्वेल आउट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इस तरह से 5 टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के, वो भी एक इसमें डिजीज़ है। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लिवर है, या लिवर कैंसर कह लीजिए, वो अलग से बीमारी है। मतलब सिरोसिस इज अ डिफरेंट थिंग एंड लिवर कैंसर इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां ये हैं। इनके साथ एक एसोसिएटेड सिम्टम रहता है जो आमतौर पर लोगों को हो जाता है, जॉइंटिस, जिसको हम कहते हैं कि पीलिया आम भाषा में, वो भी एक एसोसिएटेड सिम्टम तो है। इन बीमारियों में भी होता है, जो बीमारियां मैंने आपको गिनवाई अलग से भी वो कभी कभार पेशेंट को इफेक्ट कर देता है, ड्यू टू एनी इन्फेक्शियस थिंग जो उसने खाई, या फिर एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल का बढ़ जाना, बिलिरुबिन का बेसिकली बढ़ जाना होता है, जो कि बिलिरुबिन हमारे शरीर से निकाल देता था लिवर थ्रू यूरिन या फिर थ्रू फीसिस, मतलब लेटरिन के थ्रू, वो जब नहीं निकलता और ब्लड में ही मिक्स होता रहता है, बढ़ जाती है उसकी मात्रा, वो कंडीशन जाहिर है लिवर के प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से डेवलप हुई है। तो वो सब कारण होते हैं, मतलब वो सब एक कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से जॉइंटिस हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो कि लिवर से संबंधित रहती हैं। जी डॉक्टर हिमांशु, आपने हमें बताया फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में और भी कई प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, मगर मैं सबसे पहले आपसे इसी के बारे में जानना चाहूँगी कि फैटी लिवर डिजीज़ आखिर होता क्या है। देखिए, फैटी लिवर डिजीज़ जो है, जैसा आप नाम से सोच पा रहे हैं, फैटी लिवर, लिवर का फैटी हो जाना, चर्बी आ जाना उसके ऊपर, उसमें होता क्या है कि लिवर के ऊपर चर्बी चढ़ने लगती है, लिवर के सेल्स के ऊपर ट्राइग्लिसराइड की, वो दो कारणों से होती है, या तो एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक जो लोग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बनता है जब लिवर के ऊपर एक बंदे के ओबेसिटी की वजह से फैट डिपॉजिट होने लग जाए। जैसे चर्बी आपके पेट पे है, किसी के पेट पे चर्बी है, वो चर्बी कहाँ जाएगी जब पेट बहुत फूलने लगेगा, तो वो डेफिनेट सी बात है वो जो चर्बी अंडरलाइनिंग चर्बी है, वो चर्बी हमारे लिवर सेल्स में डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस जो ये बनता है उससे वो जो मोटापा बन जाता है पेशेंट की लिवर के ऊपर, वो बहुत हार्मफुल होता है। लोग इसको आमतौर पर बड़ा आम ले लेते हैं कि हिपेटोमिगैली है, लिवर फैटी हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये नॉन हीलिंग हुआ, जबकि ये हीलिंग है, ये रिवर्सेबल है, इजीली ठीक हो सकता है, मतलब थ्रू हर्बल बेस, मतलब आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशन से हम जो हैं हेल्थ मैक्स क्लिनिक, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके जल्दी से जल्दी, मतलब महीना, दो महीने, तीन महीने की ट्रीटमेंट में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मगर कई लोग क्या है, इसको आम बीमारी ले लेते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि ये बीमारी लगता है उन्हें आम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, मगर नहीं,
अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा समय तक रह गई तो जाहिर सी बात है कि ये आगे भी कुछ ना कुछ बीमारी पैदा करेगी। और सबसे बड़ी बीमारी ये पैदा करती है कि लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर एक सबसे भयंकर बीमारी होती है, जिसमें लिवर फेलियर कह सकते हो आप, वो कंडीशन बना देती है जिसमें कि लिवर श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है और जो लिवर सेल्स थे जो फैटी हुए हुए थे वो रिप्लेस हो जाते हैं एक लंप से, एक मास से, जहाँ पे सेल्स तो हैं मगर डेड सेल्स, एक डेड सेल का पूरा जत्था बन जाता है वहाँ पे, वो चीज़ डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे पूरा लिवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली मैंने जैसे आपको पहले कहा कि लिवर रिप्लेसेबल नहीं है, लिवर की जगह कोई और ऑर्गन उसका फंक्शन टेक ओवर नहीं कर सकती, तो वो कंडीशन में लिवर के फेलियर होने के चांसेस बन जाते हैं, पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है और डेथ सर्टन हो जाती है अगर वो लिवर ट्रांसप्लांट ना कराए। और वो भी एक इजी ऑप्शन नहीं है, जैसा किडनी ट्रांसप्लांट में होता है, लिवर ट्रांसप्लांट में 20-25-30 लाख रुपए का पहली बात तो खर्चा, अगर हम मनी की भी बात ना करें मनीटरीली भी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रिजेक्शन, एक ऑर्गन का बाहर से हमारे शरीर में लगना और उसको शरीर को एक्सेप्ट करे रखना बहुत मुश्किल होता है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट तो है ही है, उसमें कारण ये रहता है कि जब अगर वो ट्रांसप्लांट हो भी जाता है तो वो पेशेंट की इम्यूनिटी, उसको जो है इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं, उसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है, एट अ डाउन स्लाइड रहती है कि अगर उसको कोई भी साथ में या पड़ोस में छींक मार रहा है आदमी आस पास में, या किसी को बुखार था घर में, तो उन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी रहता है, या फिर उसको खुद से भी, मतलब कि मान लें ठंडा या गर्म एकदम से उसको लग जाए शरीर में तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ना डेवलप कर दे, जैसे कि ठंडा पानी पिया या ठंडी चाय पी, ठंडी कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी ली या कुछ कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी पी ली, तो उससे जुकाम होने की कंडीशन रहती है और दूसरे दोबारा से रिजेक्शन बन सकती है, क्योंकि उसमें आप कोई दवाई दोगे जाहिर सी बात है रिजेक्शन क्रिएट हो जाती है। तो फैटी लीवर एक बीमारी ठीक होने वाली तो है, मगर उसको आम तौर पे लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और सोच देते हैं कि भाई ठीक ठाक हो जाएगी, अपने आप ठीक है, अगर साइलेंट पड़ी है कोई दिक्कत तो नहीं दे रही, कोई पेन थोड़ी हो रहा है, मगर नहीं, वो कभी भी ख़राब कर सकती है शरीर के अंदर, कभी भी दिक्कतें क्रिएट कर सकती है, तो जाहिर सी बात है उसका ट्रीटमेंट लें, प्रॉपरली लें, जल्दी लें। डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी हेपेटाइटिस लीवर डिजीज़ के बारे में, ये किस तरह की डिजीज़ है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए हेपेटाइटिस जनरली अगर हम नाम से बात करें तो लिवर का इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आ जाना लिवर में, वो कहा जाता है हेपेटाइटिस, आम भाषा में मैं बता रहा हूँ। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को भी आप हेपेटाइटिस कह सकते हैं, मगर वो कंडीशन कैसे, अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। बेसिकली हेपेटाइटिस ए भी है, बी बी है, सी बी है, डी है और ई है, इस तरह से ये 5 टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। इनके अंदर एक एसोसिएटेड सिम्टम और है, जॉइंडिस अमूमन रहता है लोगों को, कई लोगों को लेटर ऑन आता है, कई लोगों को जल्दी दिख जाता है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होने पर वो सबसाइड भी हो जाता है। हेपेटाइटिस जहाँ तक ए की बात करें हम, तो ए इतना सिवियर नहीं है, वो कंट्रोलेबल है, ठीक हो सकता है, क्रॉनिक लिवर फेलियर की कंडीशन डेफिनेटली क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसका सही समय पर इलाज हो जाता है तो वो इजीली ठीक हो जाता है। उसमें HAV वायरस होता है, वो वायरस इस तरह की बीमारी डेवलप करता है, इट इज़ अ वायरल टेक डिजीज़, कंटेमिनेटेड खाना, गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, उस इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस ए होता है, जिससे कि पेशेंट को जॉइंडिस भी हो जाता है लेटर ऑन और हेपेटाइटिस ए की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो जब हम जॉइंडिस को क्योर करते हैं तो हेपेटाइटिस ए की कंडीशन भी ठीक हो जाती है, तो ए इतना सिवियर कंडीशन में नहीं होता। बी और सी दे आर द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, जिसमें कि ABV वायरस हेपेटाइटिस बी में इफेक्ट करता है और ACV वायरस जो है हेपेटाइटिस सी को इफेक्ट करता है, मतलब हेपेटाइटिस सी क्रिएट करता है, ACV और ABV हेपेटाइटिस बी करता है, क्योंकि ये दो बीमारियां डेफिनेट है कि क्रॉनिक होकर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, देर मतलब जैसे बूढ़ी हो जाती है बीमारी, क्रॉनिक उसे कहा जाता है, एक्यूट का मतलब ताज़ी बीमारी, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चलती हुई, इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक आस्पेक्ट में भी दवाइयां हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं है, एंजाइमल मेडिसिंस हैं, मगर उनका अभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं देखा गया ट्रीटमेंट, मतलब इतना रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं हो पाए जल्दी से अगर चाहिए। तो मैं यही कहूँगा अगर पेशेंट कोई हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है, वायरस उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा है जिसके लिए टेस्ट कराया जाता है, तो वो टेस्ट डिटेक्शन अगर वायरस को डिटेक्ट कर रहा है तो वो ट्रीटमेंट ले, क्योंकि हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, उसमें लिवर फेलियर सिरोसिस होता है, पेट में पानी भरता है, अगेन लिवर सिकुड़ता है और लिवर फेलियर हो जाता है, तो वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो वो चीज़ को अगर आप ध्यान में रखें, किसी को भी अगर हेपेटाइटिस बी है तो डेफिनेटली वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, हेल्थ वेस्ट क्लिनिक के पास
इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है और जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जल्दी ठीक होंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इससे ठीक होना, क्योंकि आप सोचेंगे अभी ये सफरिंग इनिशियली नहीं शुरू होती, ए सिम्टमिक होता है। कई लोगों को तो कुछ महीनों तक या इवन साल, दो साल, तीन साल, दस साल तक भी नॉर्मल रहता है, कोई रिजल्ट नहीं होता। मतलब रिजल्ट आपके ब्लड में तो आ रहा होता है हेपेटाइटिस बी का कि भाई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है ये पेशेंट, मगर उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे थे तो वो सोचता है कि यार सिम्टम्स तो आ नहीं रहे तो बीमारी होगी नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। सिम्टम्स कभी कभार लेटर ऑन स्टेज में दिखते हैं, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ पेशेंट होता है। तो क्यों ना हम पहले ट्रीटमेंट ले लें अगर हमें पता चल जाए। तो इस तरह से हेपेटाइटिस बी और सी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट ट्रीटेबल है मगर सही समय पे अगर वो सही तरह से ट्रीटमेंट ले तो। हेपेटाइटिस बी भी क्रॉनिक लिवर फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है अपने आप में भी, मगर वो बी के साथ। कई लोगों को क्या होता है, डी हो गया और वो बी साथ में उनको इफेक्ट कर गया बी का वायरस, तो वो कंडीशन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ बना सकती है। इसके अलावा अगर वो खाली अपने आप से है तो वो ठीक हो सकता है। क्योंकि सी और बी, जहाँ तक की बात है कि ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, बॉडी में कैसे आते हैं, जैसे मैंने आपको ए को बताया कि गंदा खाना खाने से, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से, उससे जो वायरस आता है हमारी बॉडी में वो हेपेटाइटिस ए क्रिएट करता है। बी और सी जो है सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। कोई इन्फेक्टेड पेशेंट था, उसके साथ इंटरकोर्स करने से पेशेंट को डेवलप हुआ। इन्फेक्टेड सिरिंजेस, कभी कभार लोग हॉस्पिटल्स में तो जनरली अगर जहाँ पे सुविधा अवेलेबल है नए नीडल्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा पेशेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं जब भी कोई नीडल यूज़ करूँ हमेशा नई नीडल हो, ये नहीं हो कि प्री यूज्ड या तो पहले से यूज्ड नीडल कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया विदाउट क्रॉस एग्जामिनिंग वेदर दैट ब्लड इज़ इन्फेक्टेड और नॉट, कभी कभार हॉस्पिटल में ऐसे भी केस आमतौर पर देखे गए हैं आजकल। तो उस चीज़ों को बचाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हेपेटाइटिस बी और सी फैलते हैं और पेरेंटल भी फैलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, जैसे मदर ने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती हैं छोटे बच्चों को, तो उनसे भी फैल सकता है। तो बी और सी पेरेंटल भी रहता है, इवन डी भी पेरेंटल होता है, मगर ए पेरेंटल नहीं है। ए में जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेमिनेटेड खाना खाने से और इन्हीं से डेवलप हो जाता है, मगर बी और सी अमूमन लोग बहुत लेटर ऑन पहचानते हैं कि अब हमारी दिक्कत बढ़ गई है तब ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं कहता हूँ आप जल्दी ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और हेल्थ मैक्स क्लिनिक के पास का प्रॉपर ट्रीटमेंट है। क्योंकि जनरली बाकी थेरेपीज़ में ट्रीटमेंट होगा या बाकी पैथीज़ में भी ट्रीटमेंट होगा, मगर वो ट्रीटमेंट स्लो एक्टिंग है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता जब अगर पेशेंट लेटर स्टेज में पहुँच जाए। एलोपैथी में भी जो है अगर पेशेंट लेटर स्टेज में उनके पास जाए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए अगर आपका इनिशियल पेशेंट है, जल्दी ठीक होना चाहते भी हैं आप बीमारी से, चाहे वो फैटी लिवर डिजीज हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, तो ज़रूर संपर्क करें हमारे। अगर आप भी हेल्थ मैक्स क्लिनिक से संपर्क करना चाहते हैं तो इनके नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, जैसा कि हमने बात करी लीवर डिजीज़ के बारे में और टाइप्स के बारे में, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी सिम्टम्स के बारे में, किसी को कब पता चलेगा कि उसे लीवर डिजीज़ की प्रॉब्लम है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया हेपेटाइटिस के केस में अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो वो इन्फेक्टियस होता है, तो उसमें जॉइंडिस, पेल, आपका आई का कलर पेल हो जाना, जो कि कंजेक्टिवा, जो आपका वाइटर एरिया है वो पेल हो जाता है, येलो इश हो जाता है। इसके अलावा इक्टरस, जो नीचे की तरफ एरिया है स्क्लीरा के एरिया के नीचे, वो येलो इश हो जाता है। इसके अलावा आपके नेल्स येलो हो जाते हैं, स्किन पेल हो जाती है, यूरिन जो है डार्किश रंग में आता है, आप कह लीजिए चॉकलेटी ब्राउनिश रंग में या ब्लैकिश रंग में आता है। यूरिन की बात करें यहाँ पे, स्टूल भी इस तरह का कभी कभार आने लग जाता है ब्लैकिश टिंज में या येलोइश, बहुत ज़्यादा येलोइश आता है। इसके अलावा जो होता है फटीकनेस, पेशेंट जो है ये बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखा जाता है कि वो थकावट, थकान फील करता है। इसके अलावा राइट साइड में, क्योंकि लिवर आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट है, राइट साइड में पेशेंट को पेन होता है या स्वेलिंग का आभास करता है कभी कभार, कि लिवर एप्सिस तो नहीं है, ये सब चेक कराना ज़रूरी है, तो उस केस में इस तरह की फीलिंग रहती है पेशेंट को। तो और इनडाइजेशन तो होता ही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि लिवर का एक अहम काम मेटाबॉलिज्म में भी है बॉडी की, और जब बॉडी की मेटाबॉलिज्म पे लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो खाना ढंग से पचेगा भी नहीं, तो कई लोग डायरियल हो जाते हैं या कई लोगों को कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, तो इस तरह की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। फीवरिश एक सिम्टम फीवर का भी आ जाता है पेशेंट्स के अंदर, जॉइंडिस जिनको होता है, जनरली जॉइंडिस के केस में कई लोग फीवरिश भी हो जाते हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। मगर ये सिम्टम्स आपके इनिशियल सिम्टम्स भी हो सकते हैं एक बड़ी बीमारी के लिए। जैसे अगर हम बात करें किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया या हेपेटाइटिस बी की लेटर स्टेजेस में आ गया, तो वहाँ एसाइटिस, पेट में
पानी भरने लग जाता है। इवन फैटी लिवर भी अगर अनट्रीटेबल रहे कुछ सालों तक तो डेफिनेट है कि उसको एसाइटिस होएगा, पेट में पानी भरेगा और इस तरह की सिरोसिस ऑफ लिवर की कंडीशन बनेगी। आपने देखा भी होगा जितने भी पेशेंट्स अल्कोहलिज्म इंडल्ज करते हैं तो लिवर फेलियर होता है। वो लिवर फेलियर खाली अल्कोहल से इंड्यूस नहीं होता, अचानक से सिरोसिस नहीं क्रिएट करता, पहले वो फैटी लिवर करता है फिर सिरोसिस ऑफ लिवर करता है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें जो है अल्कोहलिज्म अगर कोई इंडल्ज करता है, उसको फैटी लिवर हो गया है, तो अल्कोहल को इनटेक को बंद कर दे। एकदम से बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे कम करके बंद करें, मगर बंद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस वजह से आपको फैटी लिवर हो रहा है अगर वो अंडरलाइनिंग फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सिरोसिस ऑफ लिवर की कंडीशन में जाएंगे जिसमें पेट में स्वेलिंग बनेगी, पेट में पानी भर जाता है। इसके अलावा एक और बहुत अहम रोल मतलब अहम हमने देखा है सिम्टम जो आता है एसाइटिस के बाद कि पेशेंट जो है उसका बॉडी पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। वो स्वेलिंग का कारण होता है एल्ब्यूमिन का शरीर में ना बनना। इसमें ऐसा होता है कि प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर से, वो भी कंडीशन आ जाती है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, वो किडनी की कंडीशन में प्रोटीन निकलता है। इस कंडीशन में एक बहुत डेंजरस सिचुएशन ये बनती है कि प्रोटीन बनता नहीं है बॉडी में, तो एल्ब्यूमिन की कमी के कारण भी शरीर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके फेस पे जो है स्वेलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया प्रोग्राम में, लिवर जो है प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन के बनने में भी कार्यशील होता है, तो वो कंडीशन बन जाती है। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्वेलिंग भी देखनी पड़ती है कई बारी। मगर ये सब चीज़ें तो हैं आपकी होगी सिम्टम्स, बट सिम्टम्स इतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं बता पाते जितना कि टेस्ट बता पाते, तो टेस्ट इसमें बहुत अहम रोल प्ले। डॉक्टर, ये तो बात हुई सिम्टम्स के बारे में और आपने खुद बताया कि टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए लीवर डिजीज़ के लिए। इसमें टेस्ट बहुत अहम रोल प्ले करते हैं क्योंकि सिम्टम्स जो है इतने पोटेंट रिजल्ट नहीं दे पाते। हमें लगता है कि ठीक है ये पेशेंट हो सकता है जॉइंडिस, तो आप बता सकते हैं देख के, डॉक्टर्स कितने भी फिजिशियन सब जॉइंडिस तो बता सकते हैं, मगर दूसरी बीमारियां जो कंडीशन आ रही है जैसे मैंने आपको बताया स्वेलिंग की, वो कई बीमारियों में चीज़ें दिख जाती हैं, या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, तो उसके लिए उसको बिल्कुल आप कह सकते हैं यू नीड हिट द नेल ऑन द हेड वाला कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरिन डार्किश आ जाता है, तो वो सिम्टम्स तो है मगर उसके टेस्ट करने बहुत ज़रूरी है कि क्या जा रहा है यूरिन के अंदर से जिसकी वजह से वो डार्किश कलर में आ रहा है। तो इसलिए जो वो टेस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे अहम टेस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले जैसा नाम से ही पता चलता है लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के लिए भी आप कंप्लीट ब्लड काउंट करा लीजिए, जिसमें कि आपका पूरा ब्लड का विवरण आ जाएगा कि क्या हीमोग्लोबिन है, TLC क्या है, ESRs क्या हैं, वो सब चीज़ें ESR के बारे में पता चल जाएगा, जितने भी चीज़ें हैं वो प्लेटलेट काउंट कितना चल रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन कितना चल रहा है, वो सब चीज़ों का पता चल जाएगा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप। कभी कभार क्या होता है एप्सिस अल्ट्रासाउंड में होल एब्डोमेन में लिवर के लिए जो हम कराते हैं उसमें नहीं आता, या कोई ट्यूमर है वो नहीं आता प्रॉपरली, तो उसके लिए वो पेशेंट CT स्कैन करा सकता है होल एब्डोमेन का, या MRI स्कैन करा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट रहते हैं जो कराने चाहिए पेशेंट को, ताकि वो ये साबित हो सके कि एग्जैक्टली इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने बताया कि फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर उसने अल्ट्रासाउंड कराया, डेफिनेट एश्योरेंस मिल जाती है थ्रू रेडियोलॉजिस्ट कि इस पेशेंट को फैटी लिवर है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट ले उसका प्रॉपरली। क्योंकि कहीं भी आप बात करते हैं जब कोई भी टेस्ट कराते हैं तो हमें ये टेस्ट कराने का मंशा सिर्फ ये ही होनी चाहिए कि अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका तुरंत निवारण करें। कई बारी लोग मैंने देखा गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो वो साइलेंट है तो ठीक है, मगर साइलेंट भी पड़ा है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई देखकर लेटर ऑन डेफिनेटली करवा देगा। तो इसलिए अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी माइनर एबनॉर्मिलिटी या मेजर एबनॉर्मिलिटी दिखती है तो उसका तुरंत इलाज कराया जाए। ये नहीं कि आप छोड़ो उसको क्रॉनिक कर दो, पुरानी कर दोगे, जब भी कोई बीमारी पुरानी होगी तो डेफिनेटली वो इररिवर्सिबल होने की कंडीशन तक पहुंच सकती है, मतलब कि वो वापस नॉर्मलाइज नहीं हो। इस तरह की कंडीशन क्यों लानी है अगर हम उस चीज़ को अगर जल्दी देख लेते हैं तो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं सजेशन पेशेंट का हमेशा ये रहता है कि अगर आप टेस्ट कराते हैं या कुछ डिफॉर्मिटी निकलती है उसका तुरंत इलाज करवाएं, या इलाज चाहे वो लंबा हो मगर सही जगह से क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। ये नहीं कि झोला छाप या बाबा नीम हकीम उनसे कराएं, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, तो क्वालिफाइड ट्रीटमेंट हो, क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। ये नहीं आपने देखा कि आपने फैटी लिवर हो गया तो वो जी एक महीने की दवाई से ठीक हो जाएगा, नहीं, उसमें 2-3 महीने का इलाज चलता है,
मैं मानता हूँ कि एलोपैथिक एस्पेक्ट में उसका इलाज इतना पोटेंट नहीं है, मगर हमारी क्लिनिक से भी अगर जो इलाज चलता है 2-3 महीने का इलाज में पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत ही कारगर, मतलब 100 out of 100 वाला रिजल्ट बता सकता हूँ मैं तो, ये कहूँगा एश्योरेंस उनको कि अगर किसी को फैटी लीवर है तुरंत मिले और बहुत अच्छा रिजल्ट देख सकता है वो। जी, अगर आप भी हेल्थ मैक्स क्लिनिक से संपर्क करना चाहते हैं तो हेल्थ मैक्स क्लिनिक की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। डॉक्टर हिमांशु, किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती हैं लीवर डिजीज़ में? देखिए, जहाँ तक हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया कि बीमारी के इनिशियल पैटर्न में नहीं मिलती, मतलब इनिशियल फेज में कह लीजिए पेशेंट्स को वो जॉइंडिस वाले सिम्टम्स तो दिख सकते हैं, तो उससे यही है कॉम्प्लिकेशन की आपकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, इनडाइजेशन रहेगी, फीवरिश फील करेगा, फटीकनेस आ जाएगी, माइल्ड सी स्वेलिंग रहेगी बॉडी के ऊपर, तो और एंग्जाइटी टाइप कंडीशन बनी रहती है और चिड़चिड़ापन पेशेंट में आ जाता है, वो चीज़ें तो रहती हैं वो, मगर वो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आती। मेन कॉम्प्लिकेशन तब बनती है जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, जैसे फैटी लीवर की बात हम जहाँ कर रहे थे, तो फैटी लीवर का प्रॉपर ट्रीटमेंट जब नहीं करता तब क्या कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं, तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही बनती है कि लीवर फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है, पेट में पानी भर जाता है जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, वो कंडीशन होती है, फ्लूइड टैपिंग कराता है पेशेंट और एक बार पानी निकलवाता है वो पानी बार बार बनता है, और उस पानी के बनने से प्लूरल एफ्यूजन जिसमें कि आउटर कवरिंग ऑफ लंग भी इफेक्ट होती है और पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और बार बार इन्फेक्शन से निमोनिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, तो ये एक कंडीशन बन जाती है। तो जो अल्कोहलिज्म इंडल्ज कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, अल्कोहलिज्म को बंद करना चाहिए ताकि फैटी लीवर फर्दर ऑन ग्रोथ ना करे, आगे ना बढ़े, क्योंकि एक छोटी बीमारी लगती है वो इनिशियली, मगर जब वो ट्रीट नहीं होती तो वो अपनी डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस दिखाती है, वो भी मगर काफ़ी लेटर ऑन, मतलब एकदम से नहीं दिखाएगी आपको एक, मतलब 1 साल में या 2 साल में, कई लोगों को जल्दी भी दिखाती है, बट ज़्यादातर फेजेस में। यहाँ मैं फैटी लीवर की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की या सी की, ये जो कंडीशंस हैं, ये जो ये बीमारियाँ रहती हैं, ये कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। जैसे पेशेंट सपोज़ कोई डायलिसिस पे पेशेंट है किडनी फेलियर का, वो पेशेंट अगर डायलिसिस काफ़ी लंबे समय तक कराता है तो देखा गया है कि डायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट में हेपेटाइटिस बी भी एक बहुत प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है। तो हेपेटाइटिस बी अगर एक साइड इफ़ेक्ट है तो आप सोच सकते हैं कितना भयंकर साइड इफ़ेक्ट उसका रिजल्ट होगा, जब एक बीमारी के अंदर वो एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट बना हुआ है तो आगे वो कितना डेंजरस होगा कि वो लीवर फेलियर क्रिएट करेगा। तो हेपेटाइटिस बी एक छोटी बीमारी ना होकर बहुत बड़ी बीमारी है। तो लोग क्या करते हैं, इनिशियली सिम्टम लेस रहती है, देखा कि यार ठीक है माइल्ड सा फैटी लीवर था उसके लिए दवाई ले लिया, फैटी लीवर ठीक हो गया है, या फिर जॉइंडिस था जॉइंडिस के लिए दवाई ले लिया वो ठीक हो गया है, मगर नहीं, आप ये चेक कराइए कि आपके वायरसेस कितने हैं, अगर उसके वायरस का काउंट रहता है, कितना काउंट आपका हेपेटाइटिस वायरसेस का चल रहा है बी के, अगर वो बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उसका प्रॉपर इलाज कराइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। वो मैं मानता हूँ कि वो ट्रीटमेंट भी एलोपैथिक एस्पेक्ट में हेपेटाइटिस का इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो इनिशियल फेज में रिजल्ट दे सकता है मगर लेटर ऑन फेज में रिजल्ट नहीं देता है, तो वो लेटर ऑन फेज तक अगर पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इनिशियल फेज में ट्रीटमेंट कराएं, और वो भी हमारे पास, क्योंकि एलोपैथिक एस्पेक्ट में ट्रीटमेंट नहीं है, वो एंजाइमल मेडिसिन दे सकते हैं और फर्दर ऑन कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता, जबकि हमारे पास आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशन की जो दवाई हम देते हैं उसका रिजल्ट विद इन अ मंथ देख सकता है पेशेंट, टेस्ट करा सकता है, देख सकता है टेस्ट से पहले कि मेरे वायरसेस इतने थे, टेस्ट 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद कितने वायरसेस रह गए, और वायरस इनएक्टिव हो जाते हैं तो वो बॉडी में फर्दर डाउन ना तो सिरोसिस ऑफ लीवर क्रिएट करते हैं, मतलब जिसमें लीवर की श्रिंकेज होना, और ना ही एसाइटिस मतलब पानी भरना, और जिन लोगों को एसाइटिस से सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्योरेबल है, साइज दोबारा से रीग्रोथ कर जाता है लीवर का और पेशेंट नॉर्मल हो सकता है, मगर आप उस स्टेज तक बीमारी को पहुंचने क्यों देते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो, मगर ये बहुत हार्मफुल कॉम्प्लिकेशंस हैं एसाइटिस की या सिरोसिस ऑफ लीवर की, तो इसलिए फैटी लीवर चाहे छोटी बीमारी हो के बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है अपनी कॉम्प्लिकेशंस के तहत, और हेपेटाइटिस बी और सी तो बहुत बड़ी बीमारियाँ हैं, वो तो हम नज़रअंदाज करें तो बात अलग है उनको कि अभी हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे तो वो रिजल्ट नहीं दे रही है, मतलब बीमारी अभी इफेक्ट नहीं कर रही है, मगर वो कभी भी अचानक सडन इफेक्ट हो सकता है, कहीं आप 1-2 महीने टेस्ट से चूके या टेस्ट नहीं करवाए तो आप देखेंगे कि बीमारी अचानक से रीग्रो कर गई है, ग्रोथ में आ गई है अपने पूरे। जी, आपने जैसा कि बताया कि टेस्ट बहुत ज़रूरी है और आपने हमें बताया भी किस तरह के टेस्ट हमें करवाने चाहिए लीवर डिजीज़ के, तो डॉक्टर हिमांशु अब मैं आपसे लीवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूँगी, इसके बारे में हमें बताइए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, अगर आम तौर पर हम देखें तो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, मगर वो ट्रीटमेंट जो है पोटेंट रिजल्ट नहीं देते, मतलब कि सही रिजल्ट नहीं देते, पेशेंट लिंगर ऑन करती रहती है बीमारी, क्रॉनिक हो जाती है और फेटल हो जाती है, जैसा मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस में भी बताया।
तो इसलिए बेटर ये रहता है, मैं सलाह दूंगा, वैसे तो आप कहें तो अपनी चीज़ की प्रमोशन ही हो गई, बट मैं प्रमोशन नहीं करना चाह रहा, मैं अवेयरनेस करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ हमारे पास एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है इसका थ्रू अपनी आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशन, क्योंकि किसी एक पैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत पोटेंट रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट हैं, ये नहीं कि बहुत दिनों के बाद वो रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से हमारे पास जीनोलेक्स इसके लिए दवाई है, इसके लिए लिवरॉक्सिन दवाई है जो हमने अपने आप क्रिएट की हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन है और वो मेडिकेशन अपने आप पेशेंट ले सकता है बेसिकली। तो वो दवाइयाँ जो अगर वो खाता है तो डेफिनेटली वो हेपेटाइटिस सॉर्ट आउट कर सकती हैं आराम से, इनके वायरसेस को कम कर देंगी, फैटी लीवर को बहुत जल्दी ठीक कर सकती है, विद इन 2 to 3 months की ट्रीटमेंट में फैटी लीवर ईजिली ठीक हो जाता है, और चाहे वो नॉन अल्कोहलिक हो, अल्कोहलिक हो, अल्कोहलिक में ये भी ज़रूरी है कि वो थोड़ा परहेज भी करे, मतलब अल्कोहल से बचे, तो वो कंडीशन है। इसके अलावा कई लोग मैंने देखा है कि क्या होता है कि सोचते हैं फैटी लीवर है या कहीं पे लीवर एप्सिस है या कहीं गांठ बन रही है, फोड़ा है या अल्सर है लीवर के अंदर, जो कंडीशन सिरोसिस में होती भी है। सिरोसिस ऑफ लीवर कभी कभार कैंसरस भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसमें होता क्या है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि लंप बन जाता है, एक मास का ऐसा लंप बन जाता है जो कि सेल डेड सेल्स का लंप होता है जो लीवर पे चढ़ा होता है, वो डेड सेल का लंप जो है वो धीरे धीरे नॉन हीलिंग होते होते कैंसरस बन जाता है, और वो पूरी बॉडी में धीरे धीरे, एक जगह अगर कैंसर होता है तो आपको डेफिनेटली पता ही है कि वो धीरे धीरे मेस्टिगेट होता हुआ बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी इफेक्ट करता चला जाता है। तो लीवर और जितनी वाइटल ऑर्गन होने के बाद तो उसका क्या सावधानी बरतना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेशेंट के लिए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि उस कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट करानी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं है कि डरा रहे हैं हम पेशेंट को, हम यही जानकारी दे रहे हैं कि आप इसको छोटी बीमारी समझ रहे हो, जबकि ये इतनी छोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी कभी भी हो सकती है। तो इस ऑलवेज बेटर कि आप अगर आपको अर्ली डिटेक्शन हो गया है, जल्दी पता चल गया है, चाहे लेटर ऑन भी पता चला है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लेटर ऑन पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, ज़रूर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है, जल्दी रिजल्ट है। तो मेरे हिसाब से यही है, मगर अगर हमें इनिशियली पता चल गया है तो जल्दी ही से बीमारी को आप जल्दी ठीक कर सकते हो, और बीमारी अगर क्रॉनिक हो जाए तो इट टेक्स टाइम, वो पेशेंट को पेशेंस रखनी पड़ती है, वो तो ज़रूरी है क्योंकि हर एक ट्रीटमेंट में, क्योंकि आप जब हेपेटाइटिस की बात करते हैं चाहे वो बी है सी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रॉनिक बन जाती है, और क्रॉनिक क्योंकि लेटर, मैंने आपको जैसे बताया डिटेक्शन बहुत लेटर ऑन स्टेज पे पता होती है, तो जब वो डिटेक्ट होए तुरंत ट्रीटमेंट लेनी चाहिए उसकी, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो डेफिनेट है कि वो और भी ज़्यादा पुरानी होकर सिरोसिस ऑफ लिवर क्रिएट करेगी और लिवर फेलियर हो जाएगा, और सिरोसिस ऑफ लिवर होने के बाद कभी कभार लिवर कैंसरस भी हो सकता है, तो वो और पूरे इंटेस्टाइन को ख़राब कर देगा। तो इसलिए डेफिनेट है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जल्दी ट्रीटमेंट लें और सही तरह से बच जाएंगे। और मैं यही गाइडलाइन करूंगा उनको कि आप हमारे से ट्रीटमेंट है, हेल्थ मैक्स क्लिनिक से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स और बहुत सक्रिय रिजल्ट देगा आपको। जी डॉक्टर हिमांशु, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें लीवर डिजीज़ के बारे में, और हमारे दर्शक भी ये जानकर बहुत खुश होंगे कि लीवर डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट है, वो भी हेल्थ मैक्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हेल्थ मैक्स के। नमस्कार। हेल्थ मैक्स क्लिनिक, हमारा पता है डॉक्टर राघव्स हेल्थ मैक्स क्लिनिक, B328 सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4527-2222 और 09873-646272। हमारा ईमेल आईडी है healthmaxclinic@gmail.com।